हेलो बच्चों, बेटे कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अपने स्टडीज को एंजॉय कर रहे होंगे अपने निवास स्थान पर रहते हुए। बेटे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी करिकुलम का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वाइट इजी कॉन्सेप्ट, कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव क्रियाएं। जैसा हम सभी को पता है कि हम लोग हर रोज पूरा जीवन भर बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं, चाहे हम फ्रेश होते हैं, चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम नहाते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, होटल्स में मूवीज के लिए या फिर किसी अनदर टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? मानवीय क्रियाएं। बेटे मानवीय क्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव और उनके उद्देश्य के आधार पर। अगर किसी मानवीय क्रिया का उद्देश्य पैसा या संपत्ति को अर्जित करना है तो ऐसी मानवीय क्रियाओं को, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाएं। अगर किसी मानव क्रिया का उद्देश्य धन या संपत्ति अर्जित ना करके फिजिकल, सोशल या मेंटल सेटिस्फेक्शन, दैट मीन्स या तो हमें अपनी शारीरिक संतुष्टि चाहिए या मानसिक संतुष्टि चाहिए या हमें आध्यात्मिक संतुष्टि चाहिए, उन सभी क्रियाओं को हम नॉन इकोनॉमिक या अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। यहां हमने इनको कैटेगराइज किया है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी एंड वेल्थ, मतलब वो सब क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है, और वो सब क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन अर्जित करना ना होकर किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति को, संतुष्टि को प्राप्त करना होता है, उनको हम नॉन इकोनॉमिक या अनार्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। बेटे आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः तीन उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, व्यवसाय, रोजगार एवं पेशा। सो जो हमारी अनार्थिक क्रियाएं हैं उनको भी तीन उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सोशल, रिक्रिएशनल एंड स्पिरिचुअल, और सामाजिक, मनोरंजक एंड आध्यात्मिक। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। वो सभी मानवीय क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को उसमें सम्मिलित करें या फिर उनके बाइंग एंड सेलिंग को, दैट मीन्स उनके व्यापार को सम्मिलित करें। व्यापारी व्यक्ति कुछ प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि एक व्यक्ति से खरीदकर या उत्पादक से खरीदकर उसको उपभोक्ता तक पहुंचा देता है, उन सभी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? व्यावसायिक क्रियाएं। व्यावसायिक क्रियाओं में आप क्या इंक्लूड करेंगे? किसी इंडस्ट्री को इंक्लूड करें, जितने भी हमारे व्यापारी हैं, चाहे वो होलसेलर हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, चाहे वो एजेंट्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो बैंक हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, चाहे वो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड बिजनेस एंटिटीज। फिर हम बात करते हैं दूसरी आर्थिक क्रिया की, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट या रोजगार बोलते हैं। बेटे एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट, अनुबंध होता है दो पक्षों के बीच में। एक पक्ष को हम बोलते हैं नियोक्ता और दूसरे पक्ष को हम बोलते हैं कर्मचारी। इस अनुबंध को ये दोनों पक्ष ही साइन करते हैं, अपनी कॉन्सेंट एक्सटेंड करते हैं। इस एग्रीमेंट के माध्यम से जो कर्मचारी होता है वो क्या स्वीकार करता है? कोई कार्य करना स्वीकार करता है। किसके लिए? नियोक्ता के लिए। और नियोक्ता उस कर्मचारी को उस कार्य के लिए जो उसने नियोक्ता के लिए किया है एक पूर्व निर्धारित वेतन का भुगतान करता है। इसके अंदर क्या होता है बेटे? उद्देश्य क्या होगा इसका? इसका उद्देश्य होगा अर्निंग सैलरी और वेजेस, और इसको आप बोल सकते हैं रेमुनरेशन। एम्प्लॉयमेंट का उद्देश्य होता है उस पूर्व निर्धारित कार्य को करते हुए अपना वेतन या अपनी मजदूरी को अर्जित करना, जिसके लिए उसने, इसने कर्मचारी ने नियोक्ता के साथ अनुबंध किया है। फिर हम बात करते हैं प्रोफेशन या पेशा। पेशा एक ऐसा विशिष्ट ज्ञान है या एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके, एक व्यक्ति स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को गेन करके, जिसके लिए उसको ऑथेंटिकेशन मिली है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से, दूसरे लोगों को सलाह देता है, उनकी सहायता करता है या उनको इंस्ट्रक्ट करता है, दिशा निर्देश देता है कि उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल के अंदर आप इंक्लूड करते हैं डॉक्टर्स होते हैं हमारे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो सभी हमारे पेशेवर व्यक्ति होते हैं या पेशेवर संस्थान होते हैं। फिर बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अनार्थिक क्रियाओं की। यहां पर हमारे पास थ्री सब कैटेगरीज है, सोशल, रिक्रिएशनल एंड स्पेशल। हियर हम बात करते हैं सोशल। सोशल का मतलब सामाजिक क्रियाएं, वो सभी क्रियाएं
जो वर्तमान संबंधों को बनाए रखने के लिए या नए संबंध स्थापित करने के लिए हमारे द्वारा की जाती हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, नए दोस्त बनाना, जो सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वहां पर अपने थॉट्स को शेयर करना, ऑल आर कोल्ड सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज या कोई सामाजिक घटना है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करना, लोगों को प्रभावित करना, इससे हमें क्या मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने लिए समाज के लिए कुछ किया, हमने अपने परिवार को समय दिया, जिससे हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर हम बात करते हैं रिक्रिएशनल, ये हम अपने स्वयं के सेटिस्फेक्शन के लिए, हमें इंजॉयमेंट चाहिए, हमें कुछ रिलैक्स चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, फ्रेंड के साथ मूवी पे जाना है, गेट टुगेदर करना है, या फिर हमें टीवी देखना है एक साथ, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रिक्रिएशनल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर हम बात कर लेते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। बेटे ये मानव जीवन की सबसे विशिष्ट उपलब्धि है जिसको करने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, और जो हमारा भौतिक समाज है या भौतिक वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वाली समाज है, उससे हमें दूर जाना पड़ता है ताकि हम उन फोर्सेस के साथ कनेक्ट कर पाए जो फोर्सेस हमें केवल महसूस होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस जीवन के बाद हमें एक सम्मानजनक स्टेटस मिले, वो सभी एक्टिविटीज हमारी आध्यात्मिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के बारे में हम स्पेसिफिकली स्टडी करने वाले हैं बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सो द प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड टाइम। इफ यू लाइक वीडियो शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।